सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम के काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया। तो ये एक निमैनिक है या एक सेंटेंस है, फिक्रा है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो कैडमियम तक सारे एलिमेंट्स को आप तरतीब से याद कर सकते हैं। तो ये क्या है सेंटेंस, लिथियम के काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया। तो लिथियम के काका नाना ने आलू मांगे जबकि वो कहता है कि मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, यानी कि कबा फ्राई कर दिया। तो ये जो सर्कल में दिया हुआ एलिमेंट, इसका क्या मकसद है कि ये सर्कल में क्यों है? असल में कुछ एलिमेंट्स जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए और बुक में दिए गए हैं, तो मैंने आपको जो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको किसी दुश्वारी का सामना ना हो। तो ये मैंगनीज पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप यहाँ याद कर ले ताकि आपको आसानी हो इसमें से आने वाले एमसीक्यू के बारे में। तो कैडमियम तक अब हो गया, आगे आपने कैसे याद करना है? कोई नहीं सुनता बाबा, कोई नहीं सुनता बाबा, ये जो सी ओ यानी कि कोबाल्ट है, इसको भी आपने ऐसे याद करना है कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो यहाँ तक ये एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शनल पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। उसके बाद आने वाले एलिमेंट्स का रिडक्शनल पोटेंशियल वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव रिडक्शनल पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को आपने कैसे याद करना है? इनको आपने यहाँ से याद करना है, यानी कि फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को बार बार पीटा, हजाज फीके ने इडियट कुत्ता कहा। तो फ्लोरीन से लेकर यहाँ कापर तक आपने कैसे याद करना है? फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को बार बार पीटा, हजाज फीके ने इडियट कुत्ता कहा। तो इन